क्या आप कभी सोचते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी जिंदगी के छोटे छोटे संघर्ष कितने बड़े होते हैं? जब पानी की कमी, टूटे रास्ते और बढ़ते बिजली के बिलों की बात होती है, तब हमें लगता है कि ये समस्या सिर्फ हमारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन समस्याओं के लिए और इनके खिलाफ हमारी आवाज उठाई जा रही है? आज हम बात करेंगे झालावाड़ की जिला परिषद की हालिया बैठक की, जहां पर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से सवाल पूछे और जनता के दुखों का एहसास करवाया। जैसा कि आप जानते हैं कि बुधवार को झालावाड़ की जिला परिषद की बैठक हुई, जिसमें जिला प्रमुख प्रेम बाई दांगी की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। बैठक में जल, बिजली और सड़क की समस्याएं प्रमुखता से उठाई गई। मैंने इनको चेताया अधिकारियों को, अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आंदोलन करेगी। क्या आगामी दिनों में कोई चक्का जाम की योजना है? नहीं, चक्का जाम नहीं, इसको सेंक्शन कराएंगे हम। नहीं, आप एमएलए साहब, आपने अभी जिला परिषद की बैठक में कहा कि हम ग्रामीणों के साथ चक्का जाम करेंगे कल। ग्रामीणों से मुझे सूचना मिली है कि अगर सड़क सही नहीं होती है, पोल बंद नहीं होता है, तो हम इस पे चक्का जाम करेंगे। ये बात मैंने अधिकारियों को कही है, हम चक्का जाम की नौबत नहीं आने देंगे। इसको बहुत जल्दी इसको सुकृत कराएंगे और निश्चित ही सड़क को बहुत जल्दी सुकृत करा के टोल भी बंद कराएंगे। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को गड्ढे भरने के निर्देश दिए और बताया कि पिछले 10 सालों से एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। वहीं प्रधान सीता कुमारी भील ने मानसून की कमी से किसानों की फसलें बर्बाद होने का मुद्दा उठाया और मुआवजा दिलाने की मांग रखी। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर के अधिकारियों की अनदेखी के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। यह बैठक दिखाती है कि जब जनता एकजुट होती है तो वे अपनी आवाज उठा सकती है। यह केवल एक बैठक नहीं, बल्कि यह एक संकेत है कि जब जनता अपनी आवाज को बुलंद करती है तो बदलाव संभव है। क्या आप भी अपने समस्या को साझा करना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम फिर ऐसे ही खबरों के लिए आपके साथ आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी।